कृष्णा वो देख। इतनी बड़ी पतंग, लेकिन इसकी डोर कहाँ है? अरे कट के आ रही है, चल पकड़ते। गिरा दूंगा, आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के लिए है, बड़ी करने के लिए नहीं। बंद करो, बंद। इसी तरफ आया था। वो रहा कलाइडर, वो रहा। किधर किधर? कहाँ? कोमल साहब ऊपर। ओह माय गॉड, प्रिया कहाँ है? उधर। प्रिया की सांसें चल रही हैं, ये सिर्फ बेहोश हुई है। चलो इसे कैंप ले चलते हैं, उठाओ। कलाइडर इतना ऊपर, प्रिया मेम साहब इतना नीचे, सांसें फिर भी चल रही हैं। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, इमेजिन। जिंदा हो और हमारे साथ हो। थैंक गॉड तेरी जान बच गई यार। थैंक गॉड को नहीं, उस लड़के को करना चाहिए। उस लड़के को? किस लड़के को? अरे वही लड़का जिसने मेरी जान बचाई। तुम्हें किसी लड़के ने बचाया? जी सर। मगर वहाँ तो कोई नहीं था। नहीं सर, वो वही होगा
हम दोनों पेड़ से साथ साथ नीचे गिरे थे। साथ साथ? हाँ। मगर तुम तो ग्लाइडर में अकेली गई थी, तो फिर वो पेड़ की ऊंचाई पर कहाँ से आ गया तुम्हारा साथ देने के लिए? आसमान से टपका था क्या? हाँ सर, वहीं कहीं से आया था। प्रिया ट्रस्ट मी, यू वर ऑल अलोन। क्या हुआ? भूत, भूत, कोमल साहब, भूत, भूत। भाग रे डंकिनी भाग, कह को लागो भागो छे भाग, तंत्र पहलू मंत्र पहलू जो पहलू झपाट पहलू, भाग भाग रे डंकिनी भाग। ये तुम क्या बक रहे बहादुर? बक नहीं रहा हूँ साहब, पढ़ रहा हूँ भूत भगाओ मंत्र। ये क्या खींच खींच कर रहे बहादुर? दिन के उजाले में भूत कहाँ जा सकता है? ये जंगल है साहब, यहाँ दिन क्या रात क्या, सुबह क्या शाम क्या, सब एक सा है। प्रिया मेरे साहब, वो लंबा था, हाँ, वो हट्टा कट्टा था, हाँ हाँ हाँ, वो गोरा था, हाँ, काली चरण, हाँ साहब, काली चरण का भूत था वो। सालों से इन पहाड़ों में भटक रहा है, पेड़ से उल्टा लटक रहा है। Just imagine, what nonsense! आज के ज़माने में भूत? I don't believe all this. I also don't believe all this. क्या हुआ? What happened? Let's. सर, लगता है बहुत सीरियस मोच आ गई है, या फिर पैर टूट गया है सर? हो गई ना मुसीबत। हम 10 दिन के एडवेंचर कैंप पर आए हैं और तुमने पहले ही दिन अपना पैर तोड़वा लिया। हनी, इसे टेंट के अंदर लेकर जाओ एंड गिव हर फर्स्ट एड। यस सर। केयरफुल। बहादुर, तुम अपने फोन बूथ पर जाओ और किसी गाड़ी का इंतजाम करो। प्रिया को शहर भेजना होगा इलाज के लिए। रात में जाऊंगा साहब, अभी डर लगता है। हाँ, ये खाली चरण का भूत ना दिन में सताता है, रात को सोता है। जस्ट इमेजिन। इजी इजी, आराम से, तू आराम कर, आई विल ऑर्गेनाइज द पेन किलर्स। कम ऑन, लेट्स गो गाइस, लेट हर रिलैक्स। गला दर्द नहीं करता क्या? तुम्हारी आंखें फिर बड़ी हो गई। डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या हुआ प्रिया? क्यों चिल्ला रही है तू? हनी, हनी वो यहाँ आया था, वो इसी कमरे में आया था। हनी, हनी वो आया था। कौन? कौन आया था? सर, सर वो लड़का जिसने मुझे पेट में बचाया था। सर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था सर। ओह गॉड, इस लड़की को क्या हो गया है? प्रिया, प्रिया मुझे यहाँ से गए हुए सिर्फ 2 सेकंड हुए। Are you trying to tell me कि 2 सेकंड में यहाँ पर कोई आया और आकर चला भी गया? हाँ। तेरी आँख लग गई होगी, तूने कोई सपना देखा होगा। मैंने कोई सपना नहीं देखा हनी, कोई मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करता? जैसे ही मैंने अपनी आँखें बंद की, वो अंदर आया, उसने मेरा पाँव पकड़ा और उसे जोर से ट्विस्ट किया और दर्द, हनी मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया। हनी देखो, मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया। ओह माय गॉड कोमल सर, मेरा पैर तो ठीक हो गया, ये तो कमाल हो गया। देखे, आई कैन जंप। ओह माय गॉड, देखो आई कैन जंप। या तो ये लड़की पागल हो गई है या फिर हमें बना रही है। नहीं सर, मैं नहीं बना रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। देखे, अब तो मैं कूद भी सकती हूँ। सी, मेरी बात मानिए। मैं मानता हूँ हमेशा, आपका चरण काली चरण ने चंगा किया है। जस्ट इमेजिन। काली चरण? तुम्हारा ये भूत डॉक्टर भी अब है? नहीं, था काली चरण का बाप लाल चरण, डॉक्टर लाल चरण। ना कोई काली चरण है, ना कोई लाल चरण, सब झूठ बोलते हैं, कोई भूत भूत नहीं है। ये कोई स्टूपिड सा लोकल लड़का है जो मेरे साथ शरारत कर रहा है। आज तो मैं इसको ढूंढ कर ही रहूंगी और सबके सामने ले जाऊंगी और प्रूव कर दूंगी कि लड़का है, कोई भूत नहीं है। तुम किसी को ढूंढ रही हो? तुम, तुम्हें ही तो ढूंढ रही हूँ मैं। तुम कहाँ गायब हो जाते हो? जिस तरह मेरे सामने आते हो, सबके सामने क्यों नहीं आते? हाँ, तुम्हें मालूम है वो जो स्टूपिड बहादुर है ना, वो सबको कहता है कि तुम काली चरण हो। तुम काली चरण नहीं हो ना? हाँ, तुम इंसान हो ना? ए, क्यों हंस रहे हो तुम लोग? तुम किससे बात कर रही हो? काकी? काकी? एक तो दीदी को काकी बोलता है और फिर पूछता है मैं किससे बात कर रही हूँ।
मैं इस लड़के से बात कर रही हूँ। किस लड़के से? अरे दिखता नहीं है क्या, ये जो खंबे जैसा लड़का खड़ा है था? दीदी वहाँ खंबा है, लड़का नहीं। ठीक से देखो, वहाँ पे लड़का है। ये खंबा है। अरे लड़का है। अरे ये खंबा है। शट अप। एक मिनट सुनिए, एक्सक्यूज मी, आपको आपको वहाँ पे लड़का दिखाई दे रहा है, खंबा? वहाँ तो ना लड़का है ना खंबा। आप ठीक से तो देखिए वहाँ। क्या हुआ बेटे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओहो, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। देखो मेरा घर यहीं पास में है, थोड़ी देर वहां चलकर आराम कर लो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। हाँ ये इस लड़के की तस्वीर पे हार मेरे बेटे की है, 20 साल पहले गुजर गया था। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे अभी। साल पहले की बहुत दर्द भरी कहानी है। चंपा और कालीचरण, कालीचरण और चंपा दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, दो जिस्म एक जान थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कालीचरण चंपा के बाल में चमेली लगा रहा था, लाल चरण ने देख लिया तो गुस्से से आग बबूला हो गया। एक दिन उसने धोखे से चंपा को दवा के नाम पर जहर दे दिया और बेचारी चंपा काली काली कहते हुए तड़प तड़प के मर गई। जस्ट इमेजिन, बेचारा कालीचरण चंपा की मौत का दुख नहीं सहन कर सका। वो उस पहाड़ की चोटी की तरफ देखो, उसी चोटी से कालीचरण चंपा चंपा पुकारता हुआ कूद पड़ा और इश्क में अपनी जान दे दी। उसी दिन से कालीचरण भूत बन करके अपनी चंपा को ढूंढ रहा है। तुम ये उंगली मेरी तरफ क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि आप चंपा है। मैं चंपा? मतलब चंपा जैसी है। प्रिया प्रिया मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ पे अपनी रुकना चाहिए, प्लीज यार। कोई कहीं नहीं जाएगा। ये बहादुर का बच्चा जस्ट इमेजिन करके बकवास किए जा रहा है और तुम लोग इमेजिन किए जा रहे हो। बहादुर, आज के बाद तुम इन बच्चों को कोई कहानी नहीं सुनाओगे, अंडरस्टैंड? नो कम ऑन, गेट रेडी, हम लोग माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं। तुम सब एसेंडर लगाकर ऊपर चढ़ोगे और फिर डिसेंडर लगाकर रैपलिंग करते हुए नीचे उतरोगे। कालीचरण, जस्ट इमेजिन, कांट इमेजिन। 104 डिग्री तापमान। सर मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, सर आप ही नहीं मान रहे थे। सॉरी सॉरी, अब हम यहां कतई नहीं रहेंगे। बहादुर,
तू फौरन जा, अपने फोन बूथ से फोन कर और गाड़ियों का इंतजाम कर, जा। अरे मार दीना मेरे पेट पर लात, मेरी जेब भरने से पहले ही खाली हो गई। जस्ट टू इमेजिन, अरे तुझे उन लोगों के सामने उस तरह पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत क्या थी? करता क्या, वो इतनी जोर से चिल्लाई और वहां पर इतने लोग थे कि मैं डर गया। और तेरे डर ने उनको इतना डरा दिया है वो सब वापस जा रहे हैं, मां कसम। अब ढूंढना अपनी चंपा को सचमुच का काली चरण बनके। तो अब क्या करें बहादुर? क्या करें, तूने जैसा कहा वैसा मैंने किया, अब तू ही कुछ सोच। सोचा। क्या चंपा जी? मेरा नाम प्रिया है। वो तो इस जन्म में है लेकिन पिछले 6 जन्मों से तो आप कालीचरण की चंपा है। ये 7वां जन्म है, अगर आप उससे बिना मिले चली गईं, तो वो रूठ जाएगा। फिर आप जहाँ जहाँ जाएंगी वो वहाँ वहाँ आएगा। जस्ट इमेजिन। ऐसे कैसे आ जाएगा? और वैसे भी हम तो सिंगापुर चले जाएंगे। ओ पापा, वो सिंगापुर भी आ जाएगा? उसको टिकट नहीं खरीदना पड़ता। देखो बहादुर, ये किसी भूत भूत से मिलने कहीं पे भी नहीं जा रही है। अगर इसे कुछ हो गया तो? वो बहुत शरीफ भूत है मैम साहब, उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, है ना? अब आगे आप लोगों की मर्जी। रुको बहादुर। हनी, आई थिंक ही इज राइट, तू उससे मिलने जाएगी। हाँ, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। और आप इन्हें मना मत करना, अगर कालीचरण को पता चल गया। जस्ट इमेजिन। नहीं नहीं, मैं इसे मना तो नहीं कर रही थी, मैं तो खाली पूछ रही थी। आई स्वेयर, मैं तो एडवाइस दे रही थी ना तुमको। नहीं सुनो, देखो तू इस भूत से जरूर मिलने जाना, ये देखो वो कितना शरीफ भूत है। इज अ वेरी शरीफ भूत। अच्छा मुझे बात नींद आ रही है, ओके बाय, गुड नाइट। हनी जी, मैं आ गई आपको मुक्ति दिलाने के लिए, प्लीज सामने आ जाइए। आजकल भूतों को भी डर लगता है क्या? तुम भूत नहीं हो? अच्छा, मैं समझ गई। कोई तुमको भूत कहता है तो तुम्हें बुरा लगता है ना, और लगना भी चाहिए। तुमने तो प्यार में जान दी है, और वो लोग जो प्यार में जान देते हैं वो भूत थोड़ी होते हैं। वो तो आशिक होते हैं। तुम आशिक हो ना? मैं कृष्णा हूँ। देखो तुम रुक जा, मेरे पास मत आना। हाँ, तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गई, अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मैं जाऊं? मुझे मुक्ति नहीं, दोस्ती चाहिए। क्या दोस्ती? अरे बाबा डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह के इंसान हूँ। यकीन नहीं होगा तो छू के देख लो। छू के? अरे सॉरी। देखो मेरे खून का रंग भी लाल है, अब तो यकीन हुआ कि मैं भूत नहीं हूं। लेकिन अगर तुम भूत नहीं हो तो वो तस्वीर? वो मेरे पापा की तस्वीर है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं एकदम उन जैसे दिखता हूं। अच्छा, लेकिन उस दिन
मेरी जान बचाने के लिए उस पेड़ पर तुम अचानक कहां से आ गए थे? और कल उस पहाड़ पर ऐसे 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 कैसे चढ़ गए थे? हाँ, शायद इसलिए क्योंकि आदत सी हो गई है। बचपन से नहीं पेड़ों पहाड़ों यहाँ के जानवरों और पंछियों के साथ खेल कर ही तो बड़ा हुआ हूं मैं। अपना ज्यादा वक्त मैं इन्हीं के बीच बिताता हूं, इसलिए सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तुम मिलना चाहोगी मेरे दोस्तों से? तो अभी यकीन नहीं हो रहा। दोबारा पे नहीं माने दूंगा, दर्द होता है क्योंकि मैं कालीचरण नहीं हूं ना। देखा, ये कालीचरण नहीं है, मैं तो शुरू से यही कह रहा था। आप तो अभी भी यही कह रहे हैं। सही तो कह रहा हूं। कालीचरण, यू आर सो क्यूट। कृष्णा, यू रियली गॉट अस स्केयर्ड। बहुत डरा दिया था तुमने, लेकिन मजाक अच्छा था। बॉयज एंड गर्ल्स, कैंपेन कंटिन्यूज। और कृष्णा, तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। बार अलग रंग का फूल कहाँ से ला रहे हो तुम कृष्णा? इंद्रधनुष से मांगकर। इंद्रधनुष मतलब रेनबो? हाँ। वो देखो, वाह कृष्णा, कितना खूबसूरत नजारा है। अगर मैं यहां नहीं आई होती ना, तो मुझे बहुत अफसोस होता। मुझे भी। इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो प्योर, सो सरीन, सो क्वाइट। यू शुड सी दिस प्लेस इन ऑटम। इट इज अ राइट ऑफ कलर्स। व्हेन द सन रेज टच द फॉलन लीव्स, एवरीथिंग टर्न्स टू गॉड। So beautiful. Makes you realize what a great artist God really is. Krishna, तुम इंग्लिश भी बोल लेते हो?
और वो भी इतनी अच्छी। दादी ने सिखाया, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी, सब वही है। लेकिन किसी से भी कुछ भी सीखने के लिए टैलेंट की जरूरत होती है कृष्णा, और तुम में कमाल का टैलेंट है। यू आर अमेजिंग। तुम्हें इस छोटे से गांव में अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। यहाँ से बाहर की दुनिया में तुम जैसे टैलेंटेड लोगों की न सिर्फ जरूरत है बल्कि कदर भी। पर मेरी दुनिया तो मेरी दादी है, मैंने छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत प्यार करते हो ना अपनी दादी से? बहुत से भी ज्यादा। कृष्णा, मैं तुम्हारी दादी से मिलना चाहती हूँ। दादी, ये प्रिया है। प्रिया मेरी दादी। नमस्ते दादी। जीते रहो। हम लोग पहले मिल चुके हैं। हाँ हाँ, याद है। एक बात बताओ जी, उस दिन तुम घर से चली क्यों गई थी? घर से नहीं दादी, डर से। ये जो आपका कृष्णा है ना, ये सबको भूत बन के डरा रहा था। भूत? और दादी, इनके कोमल सर जो कि अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं, डर के मारे थर थर कांप रहे हैं ना। अरे दादी, उनको तो 104 डिग्री बुखार भी हो गया था। 104? सच कृष्णा? तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था बेटा। इतना भी क्या किसी को डराना कि वो बेचारा बीमारी पड़ जाए। तुमने सॉरी बोला? हाँ दादी, बोला, सबको बोला। प्रिया बेटा। जी दादी। अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। दादी, मैं सिंगापुर में रहती हूँ अपनी मम्मी के साथ। मेरे पापा अब नहीं रहे। इंडिया अपने एक दोस्त के साथ छुट्टियां मनाने आई हूँ। उसकी फैमिली चंडीगढ़ में रहती है। अच्छा जी। मैं हाथ धो के आती हूँ।